बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के तुलवार कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराश बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ फिर कैसे मिले, कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो, होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। और हमारे बीच आज एक ऐसे पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं जिन्होंने हमें गोल्डन सॉन्ग दिए हैं और जो हमेशा अमर रहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वॉइस ऑफ अमिताभ लेजेंड सुदेश भोंसले जी की, जो कि बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। उनकी अगर मैं तारीफ कर रही होंगी तो वो तो सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा। जी हाँ, तो मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट लेजेंड सुदेश भोंसले जी से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। और सच में आज आरडीडी शो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हेलो, गुड इवनिंग सर। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम कैसे टू हैं? द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती जी। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच सर, ये आपका सा बड़प्पन है। और सच में आज आरडीडी शो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है सर, क्योंकि आपकी मैं तारीफ करूं तो वो तो सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा। जितने डाउन टू अर्थ आप हो सर, तो सबसे पहले मैं आज का मेरा जो क्वेश्चन है यही है सर, आप इतने डाउन टू अर्थ क्यों हो सर? क्या मैं हूं ऐसा? मुझे नहीं पता, अगर हूं तो क्यों जी हूं मालूम नहीं मुझे। जैसा हूं वैसा हूं, मैं ऐसा क्यों थैंक हूं, यू मैं सो वैसा मच, क्यों हूं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर, मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा मोमेंट आया हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं माने हो। नहीं, कोशिश तो हमेशा से करता आया हूँ, क्योंकि वो जी मेरे माता पिता से के संस्कार हैं। और जो भी एक्सपीरियंस किया है अभी तक, जिन लोगों के साथ रहा हूँ, जिन लोगों से कुछ सीखा हूँ, उनसे यही सीखा है कि मेहनत करो तो देर सही दुरुस्त आते हैं, देर से ही सही फल मिलता है। और जो भी चीज़ जी आपको हासिल करनी है, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसे जी पाने के लिए बस एक ही जरिया है, और वो है हार्ड वर्क, मेहनत और कोशिश, और बार बार कोशिश। तो मेरी जी जिंदगी का यही प्रिंसिपल है। मैं आज भी अगर कोई कॉन्सर्ट पे जाता हूँ तो मैं अपने दूसरे म्यूजिशियन, सिंगर्स, एक्टर्स को देखते रहता हूँ कि वो क्या करते हैं। नए हैं तो वो क्या करते हैं, पुराने हैं, सीनियर है तो वो क्या करते हैं। तो बस रोज सीखने जी की कोशिश करती है। और आर्ट एक ऐसी एक आर्ट ऐसा एक वो है कि जो आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं सीख गया। तो बस हमेशा सीखता रहता हूं मैं। सैल्यूट टू यू सर। सच नमस्कार। में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे बीच ऑडियंस जुड़े हैं, उन सभी को मैं
थैंक यू कहना चाहूंगी. थैंक यू सो मच एवरीवन. अमोल कुमार चौधरी जी जुड़े हैं एंड ब्रिज मोहन शर्मा अच्छा जी जुड़े हैं, जी आर्यन अच्छा शर्मा जुड़े हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. और सच में हम बहुत ही थैंक ब्लेस यू फील कर रहे हैं सर, क्योंकि आपने इतने अच्छे जो हमें गोल्डन सॉन्ग दिए हैं जो हमेशा अमर रहेंगे. और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो में आए हैं. सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आपको. और सर, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी, आपकी जर्नी. क्योंकि मैं बात करूं 82 की, 80 की, तो इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग आपने हमें दिए हैं. और किशोर दा के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, और आप बिलीव नहीं करोगे जो अमिताभ के लिए आपने वॉइस दी है, अमित जी के लिए, वो मैं ये सोचती थी कि वो उनकी वॉइस है, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि वो आपकी वॉइस है. तो सच में आज आपसे जुड़कर हमें बहुत ही अच्छा लगा है. और सर, मैं जानना थैंक चाहूंगी यू। आपकी जर्नी के बारे में सर. एक्चुअली म्यूजिक बचपन से ही घर में था। मेरी माँ सुमन जी वो गाती थी, क्लासिकल गायिका थी। मेरी नानी दुर्गाबाई शिरोडकर जी वो भी एक क्लासिकल गायिका थी। तो म्यूजिक सुना है बचपन से, और मेरे पिताजी आर्टिस्ट है, पेंटर थे। तो बचपन से ही म्यूजिक और पेंटिंग के, आर्ट के बीच में मैं बड़ा हुआ। और मैं जी 74 से 82 तक पिताजी के साथ उनके स्टूडियोज में उनको असिस्ट करता था। वो फिल्म के पोस्टर्स बैनर्स बनाते थे। तो जी मैं जब ज्वाइन किया तब मेरी उम्र थी 14 साल की। और उन वो मेरी फिल्म जो थी पहली, जो मैंने पोस्टर्स कलर किए थे, वो थी प्रेम जी नगर। तो प्रेम नगर, जूली, जी स्वयंवर, स्वर्ग, नर्क। तो 82 74 से 82 तक बस पेंटिंग करता था। तब तक पता नहीं था कि मुझे ये सब मतलब मैं करूंगा, क्योंकि घर में माहौल था प्योर क्लासिकल का था और बॉलीवुड के गाने जी सुनना मना था। लेकिन फिर भी छुप छुप के रेडियो सुनते थे, तो कई गाने याद थे। और स्कूल कॉलेज में मस्ती मजाक में मैं करता था। किशोर दा का फैन था, सैगल साहब की जी मतलब आवाजें, सचिन दा की आवाजें, ये एक शौक था। लेकिन कभी सीरियसली इस चीज को नहीं लिया, क्योंकि मुझे पेंटर ही बनना था आगे। लेकिन अचानक पता नहीं ये जी आवाजें एक 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 निकलने लगी गले से, एक्टर्स की, सिंगर्स की। और बस एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था मेलेडी मेकर्स। और तब से मैं बस जी स्टेज पे हूँ। तो माइक जो है नजदीक आया, ब्रश दूर चला गया। पेंटिंग कभी कभी करता हूँ, लेकिन ओ ज्यादातर मैं स्टूडियोज और स्टेज पर ही मेरा जो समय है वो बीतता है। और ये दुनिया भी अच्छी लगती है, क्योंकि लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करने का जो मजा है वो किसी नशे से कम जी नहीं। तो बस मैं राइट शोज सर करता हूँ, हाँ, जो टीवी शोज करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। बड़े बड़े लोगों को जी मिला मैं, लता जी, आशा जी, किशोर दा, अमित जी, जितेंद्र, श्रीदेवी जी, मतलब जितने 90s के टॉप सिंगर्स थे, एक्टर्स थे, उनके साथ काम किया है। बहुत बहुत एक्सपीरियंस, मतलब सीखा है बहुत कुछ उनसे। और अभी भी यंगस्टर्स के साथ जी भी शो करता हूँ। और जो दो कुछ कुछ गाने जो मुझे मतलब मौका मिला है जो गाने के लिए, अमित जी के लिए, तो वो मुझे खुद कभी कभी यकीन नहीं आता कि इतनी मेरी आवाज मैच कैसे होती है उनसे। तो जुम्मा चुम्मा दे दे, शावा शावा, सोना जी जी सोना, मेरी मखना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अकेला, तो कई गाने ऐसे हैं कि मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ और लोग तो आज भी कंफ्यूज हो रहे हैं। थैंक यस यस यू शंकर जी, थैंक यू। तो ये बस पता नहीं मैं मुझे कैसे, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं आज भी। लोगों को पता नहीं कि जुम्मा चुम्मा मैंने गाया है, लेकिन यस यस राइट बस कई सर आवाजें। तो जी ऐसा मुझे मुझे पता नहीं मतलब मैं कैसे इस स्टेज की तरफ मुड़ा, और एक एक ऊपर वाला एक एक आवाजें देता गया। लोगों को वो पसंद आने लगी और लोगों का प्यार मिलता गया। जी और अचानक अमित जी के लिए मुझे गाने का मौका मिला, और तब से मेरी दुनिया बदल जी गई है बस। और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। मुझे स्टेज पे शोज करना, परफॉर्म करना अच्छा लगता है। स्टूडियोज में गाने गाना अच्छा लगता है। मुझे टीवी पर आना अच्छा लगता है। मुझे लोगों को हंसाना अच्छा लगता है। लोगों को अच्छे अच्छे गाने सुनाना अच्छा लगता है।
तो ये मैं तो कहता ना, जितना शुक्रिया अदा करूं ऊपर वाले का उतना कम है, और बस इतने लोग प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, यही बड़ी बात है मेरे लिए। वाह सर, और हमारे साथ ऑडियंस जुड़ी है उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। ये सभी आपके फैन हैं सर, और एक अच्छा फैन जो बहुत ही मतलब आपके डाई हार्ट फैन है वो हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो सर मैं बिल्कुल उनसे बिल्कुल मिलवाना चाहूंगी। जी जी, मैं सभी देखने वालों को नमस्कार करूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते सर, वेरी गुड इवनिंग। सर अरे अरे, नमस्कार चिंतन जी, छोटी वेरी गुड इवनिंग। सी कोशिश थी, जैसे अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अमिताभ जी की आवाज, मतलब खुद एक मैंने पूरा सर बहुत बचपन से आपसे गाना सीखता आ रहा हूँ, और एज अ कोरियोग्राफर सर मैं आपके गाने बहुत ज्यादा मैं प्रिफर करता हूँ, जब वेडिंग संगीत हो वो सब सारे शो में। तो सर मुझे एक ही क्वेश्चन है अच्छा कि आप अमिताभ जी, बच्चन जी की आवाज कैसे बने? ये मैं सच कहूं, सब मस्ती मजाक में हुआ। किसी को देखकर बोला, ये जोरा जान दरवाजा खोल दे, तो ये मजाक मजाक में मेरे दोस्तों ने सुना और वो मेरे पीछे पड़ गए। तो फिर मैंने एक एक दो दो लाइनें स्टेज पे बोलने की कोशिश की, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोग एकदम क्या कहते हैं ना, सरप्राइज होके मुझे देखने लगे। और वो वक्त था जब बहुत सारे कॉमेडियंस थे, मिमिक्री आर्टिस्ट थे, पर अमित जी की आवाज पहली बार किसी ने स्टेज पर सुनी थी। तो शायद, और अमित जी के जो गाए हुए गाने हैं, मेरे अंगने में या रंग बरसे, वो मैं स्टेज पे गाता था। तो मुझे उनकी बोलने की आवाज और सिंगिंग की आवाज दोनों का मैंने रियाज किया। और फिर उनकी दीवार, जंजीर, लावारिस, अंधा कानून, ये मैं डायलॉग बोलता था। तो अपने आप को कहते हैं ना, मुझे खुद नहीं पता चलता कभी कभी, लेकिन हाँ, सर, मुझे डायलॉग बहुत आई एम बाय हार्ट से। सो ओके ब्लेस्ड सर, एंड थैंक यू सो मच रीका जी फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट, एंड प्लीज कंटिन्यू विथ योर शो। एंड सर जय हिंद, वंदे मातरम सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक और चिंतन जी, यू थैंक सो यू मच। फॉर कोरियोग्राफिंग माय सॉन्ग्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, और हमारे जो ऑडियंस जुड़े हैं वो कुछ तो आपके सॉन्ग भी सुनना चाहते हैं, ब्रिज मोहन शर्मा जी, जी आर्यन शर्मा जी, जी और शंकर पाठ शंकर जी, कौस्तुभ जी, एंड शंकर थैंक यू सो पटनायक। मच एवरीवन, कला शंकर पटनायक जी। तो सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सर, आपने किशोर दा के साथ जी ये कला जी, कला शंकर, ये कला मेरी बड़ी दीदी है, शंकर जी मेरे जीजा जी ओ हैं। प्रणाम तो ओ वो लोग भी अपने घर पे बैठ के मुझे शायद देख रहे हैं। और उसके अलावा जी, बाकी जो भी आपके इस चैनल के जितने भी आपके और श्रोता हैं, शरद जो भी देख रहे हैं, वो जी उनको भी शुक्रिया। मैं भी जी जी सुनना चाहता, कुछ अभी कुछ लिखा था किसी ने। हाँ जी जी आ जुम्मा चुम्मा दे दे अरे बाप रे, अच्छे जुम्मा चुमा, प्रिंस जी, रावत, थैंक यू सो मच, नमस्ते नमस्ते। अरे ओ जुम्मा, मेरी जाने मन बाहर निकल, आ जुम्मा है, आज का वादा है, देख मैं आ गया, तू भी जल्दी आ, मुझे मत अड़ तड़पा। अरे तू बोली थी पिछले जुम्मे को जुम्मा दूंगी अगले जुम्मे को, आज जुम्मा है तो आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, हे जुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। या सल्यूट टू यू सर, सल्यूट टू यू। थैंक यू, थैंक यू। सच में सर, जिस सॉन्ग को हम बहुत टाइम सुनते हैं आज, सच में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है सर,
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वर्ड भी बहुत थैंक यू छोटा पड़ जाता है सर आपके लिए, आप जितने डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हो। और अमोल कुमार चौधरी जी कहते हैं, अभी हाल ही में आपने एक सॉन्ग गाया है सत्यम आनंद जी के साथ, मेरे भगवान अच्छा। हाँ जी अच्छा। अरे क्या जी बात है। जी जी तो वो सुनना भगवन चाहेंगे। मेरे भगवन, भगवन मेरे भगवन। एक्चुअली ये भगवन भगवन जो गाना है हमने सत्यम जी ने जी बनाया था लॉकडाउन पीरियड के जी वक्त, जो 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 भी हालात हो रहे हैं लोगों के, लोगों को जो भी दुख दर्द हो रहा है उसके लिए भगवान को प्रेम प्रेयर करते हैं। भगवान इस कठिनाई से, हमको कठिनाई से जल्दी से बाहर निकालो हमको। तो जी बस ये प्रार्थना है, कोशिश है इस कोरोना के जो महामारी उसको दूर भगाने की, भगवान से हाथ जोड़ के कोशिश करते। तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और सत्यम जी के मित्र को भी मैं नमस्कार करना चाहूंगा। जी जी और वैसे तो बहुत सारे अच्छा, लोग प्रिंस रावत की जो फरमाइश है। चली चली फिर चली चली हाँ जी, एक इश्क दी फरमाइश है हवा कर ले चली लो। सुना दो। चले चले फिर चले चले, चले इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली, अपने दिल भर को दीवाना, अपने दिल भर को दीवाना, ढूंढता दिल गली गली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। यो हो। हाँ जी वाह सर, सच सच नमन सर, थैंक यू सच थैंक सच यू नमन। हम थैंक सभी यू बहुत थैंक ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं सर, और सच में आज बहुत ही आनंद आ रहा है सर। आपकी जो वॉइस है वो बहुत ही कमाल की वॉइस यू। है, आई थिंक आप बहुत ही यूनिक हो सर। थैंक यू सो मच सर। और मैं थैंक यू जानना थैंक यू चाहूंगी थैंक यू। सर, आपने 82 से लेकर 87 तक की शोरदा के साथ काम किया है, उनके साथ जो गोल्डन मोमेंट था जी आपका, क्योंकि आप लोग इतना बिजी जी होते थे स्टेज शो में, पूरे वर्ल्ड में शो किए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ, और उनके साथ जो आपने परफॉर्मेंस दी है, शोज किए, वो वाले मोमेंट अगर आपको याद हो सर, हम जानना चाहेंगे। नहीं, एक्चुअली किशोरदा को जैसे आप जानते कि बहुत सारे जी उनके, अपने आप को हम लोग उनके चेले मानते हैं, उन किशोरदा को गुरु मानते हैं। तो उनके साथ जब काम करने को जी मौका मिला हो, उनके साथ उनको मिलने का, उनको देखने का अगर मौका मिला किसी को, तो वो उससे ज्यादा खुशकिस्मती नहीं है। और इस जन्म में हम किशोरदा को देख पाए, लता जी को देख पाए, मिल सके, अमित जी को मिल पाए, राइट सर, आशा जी को मिल सके। और किशोरदा के साथ तो 5 साल स्टेज पर काम किया। तो मैं बताता हूँ कि मैं किशोरदा का, मतलब कहते हैं ना, उनका होस्ट हुआ करता था। रफी साहब के एक दो गाने जी गाकर फिर मैं उनको स्टेज पे बुलाता था। तो पहले मैं एक हाथ गाना गा के विंग्स में दिखता, तो किशोरदा बोलते मतलब एक और गा। तो और उसके बाद मैं एक और गाना गाता, तो विंग्स में देखता बोले और एक गा। उसके 2-3 गानों के बाद बोले मतलब अब मुझे बुला। और फिर मैं किशोरदा को बुलाता और फिर वो 1 घंटा 2 घंटे ओ 3 घंटे, मतलब वो और ऑडियंस, और मैं बस विंग्स में कुर्सी पे बैठ के बस घंटों, मतलब ना बस एकलव्य की तरह उनको सुनते रहता। और कई बार मजा, मतलब उनके साथ कोरस में भी गाया और मस्ती बहुत करते थे, तो हमको भी स्टेज पे बुलाते थे, कोरस भी गाया उनके साथ, उनको पानी भी पिलाया, कभी सिक्योरिटी गार्ड भी बने और कभी खड़े होकर उनके साथ गाया भी है। तो बहुत हर शो, हर मीटिंग उनकी, उसमें हर चीज मतलब सीखने वाली होती थी। और वो मैं जो मिमिक्री करता था गायकों की, जी एक्टर्स की, बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत पसंद करते थे। लेकिन मुझे कहते थे सुदेश तू बहुत अच्छा है, लेकिन कभी सैगल साहब और संजीव कुमार का मजाक नहीं करना, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, मतलब मैं बहुत उन्हें पसंद करता हूँ, बहुत ओ रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये कभी कभी ये एडवाइस भी किया करते थे। और ओ कहते ना, और उस वक्त मुझे लगता है हम इतने के बेवकूफ थे कि किशोरदा को हर संडे मिलते थे हम लोग रिहर्सल्स के लिए उनके घर पर। जी लेकिन उस वक्त कभी जी फोटो खींचना या उनसे बातें करना ये कभी सोचा ही नहीं कि इतने बड़े किशोर कुमार के साथ हम के घर पे वक्त गुजार रहे। तो
अब जाके लगता है कि कितना अच्छा मौका ऊपर वाले ने दिया था, वो तो नेचुरली हमने काम किया, लेकिन सोचता था कि उस वक्त थोड़ी सी और अकल आती तो और थोड़े से फोटो खिंचवा लेते, वीडियो खिंचवा लेते। और अभी मुझे एक मैंने देखा एक मैसेज है, शिमला आने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किए, तो भैया जरूर आप बुलाइए मुझे, मैं पूरा बैंड लेके आऊंगा अपना और आपके लिए गाऊंगा, घंटों गाऊंगा। हाँ जी प्रिंस रावत जी, शिमला शिमला जरूर आएंगे प्रिंस जी आपके साथ, और आपके साथ डुएट भी गाएंगे, हम जरूर गाएंगे। वाओ सर, सच में सर आपकी जर्नी की बात कर रही हूँ तो सर आप एक लेजेंड हो सर, अपने आप में फोटो की कोई जरूरत नहीं होती सर, जो लेजेंड होता है वो लेजेंड होता है नहीं सर। नहीं आपने इतने नहीं जो लेकिन जो गोल्डन गुरु सॉन्ग गुरु दिए के हैं साथ, जो हाँ जी, जी लेकिन वो गुरु है ना, हमने सोचा इतना मिलने का मौका मिला था, हमने सिर्फ गाने गाए, उनको सुना, कभी उनसे और कुछ बातें क्यों नहीं की, अभी ऐसा लगता है। ओ थैंक यू सो मच सर। और सर पंचम दा के साथ आपने जो फर्स्ट ब्रेक किया था, जो मूवी में काम किया था फर्स्ट, वो एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे सर। पंचम दा के यहाँ मुझे एक्चुअली आशा जी ले गई थी, उन्होंने मेरा जी SD बर्मन साहब की आवाज में एक गाना सुना आशा जी ने, और वो इमोशनल हो गई थी, और उसके जी बाद वो मुझे ले गई और पंचम दा से कहा कि ये लड़का जो है आपके पिताजी की आवाज में गाता है। और जैसे मैं मिलने गया तो पंचम दा को नमस्ते किया, तो पंचम दा सामने से बोलते हैं मेरे बाप की आवाज में गाते हो, तो मजाक उन्होंने मेरे साथ किया। और फिर वो मुझे अपने, हाँ जी एक सवाल, अमूल कुमार चौधरी ग्रेविटी के स्टूडियो, हाँ ग्रेविटी स्टूडियो के बारे में जानकारी दो, हाँ जी हाँ जी मैं जरूर दूंगा। जी तो पंचम दा ने जब मुझे सुना स्टेज पर आशा भोसले आरडी बर्मन नाइट्स में, जी कि मैंने गाया सुन मेरे बंधु रे सुन मेरे मितवा सुन मेरे साथी रे, तो ये सुन के एकदम आके एकदम मुझे गले लगाया और एकदम आंखों से पानी आने लगा, और बोले बिल्कुल मेरे पिताजी की तरह गाते हो। तो ये इतने बड़ों का आशीर्वाद मिला है। और उनके बाद जब तक पंचम दा थे मैंने उनके साथ बहुत काम किया, फिल्मों में गाया, और उनके साथ आशा भोसले आरडी बर्मन नाइट में मैं बहुत एक उसके शोज का हिस्सा मैं हुआ करता था, और जी कभी कभी उनके सामने भी मैं उनकी आवाज में गाता था, तो बहुत बहुत खुश होते थे वो। और अभी मैं जो फरमाइश है कि ग्रेविटी स्टूडियोज, मैं रहता हूँ मुंबई में गोरेगांव में, और यहाँ जी पे हमने एक स्टूडियो बना है ग्रेविटी स्टूडियो, जिसमें आप रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हैं, म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, रिहर्सल्स कर सकते हैं, ऑनलाइन शोज कर जी सकते हैं, और शूटिंग्स भी कर सकते हैं वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म्स की। तो वाओ सारा प्रावधान है यहाँ हमारे इधर गोरेगांव में। तो मैं आपको फिर वो नंबर भी दे दूंगा स्टूडियो का। जी और अभी आर्यन शर्मा जी, आर्यन शर्मा शर्मा जी कह रहे हैं कि गिव सर, प्लीज गिव शर्मा जी कह सम रहे हैं कि टिप्स कुछ टू द सम अपकमिंग टिप्स सिंगर। टू द अपकमिंग सिंगर्स। मैं यही कहूंगा कि अगर आप में कोई कला हो तो उसका रियाज कीजिए, एक अच्छे गुरु के पास जाके रियाज कीजिए, और सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर आपने रियाज किया है, आपने सीखा है गुरुओं के साथ, तो आप कहाँ भी कहीं भी जाएंगे, वर्ल्ड के किसी भी स्टेज पे खड़े हो जाएंगे, आप डरेंगे नहीं, सीखने से जी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और बस अपने जी जी सीनियर्स की इज्जत कीजिए, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, और आप जो भी कला दी है भगवान ने उस पर रियाज कीजिए, भरपूर मेहनत कीजिए, और जो आर्ट आपको दी है भगवान ने उसका रिस्पेक्ट कीजिए, उसको लाइटली मत लीजिए, तो आपको सक्सेस भी मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा, और जनता का प्यार भी मिलेगा। राइट सर, बिल्कुल सही कहा है सर। और सर आपके जो एक सॉन्ग है जो कि आपकी मैं बात करूं तो आई थिंक वो आपके लिए गोल्डन सॉन्ग था, जुम्मा जुम्मा दे दे, वो सर कैसे ऑफर हुआ था सर वो सॉन्ग आपको? ये तो मैं एक्चुअली कहता हूँ ना, मैं कभी कभी कहते हैं ना मजाक से नुकसान हो जाता है, कभी कभी मजाक में फायदा हो जाता है। तो लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी ने मुझे अचानक एक दिन बुलाया महबूब स्टूडियोज में, और वहां देखा कि 80 म्यूजिशियंस है, और मुझे सोलो गाना गाना था, गाना था या अली
मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो ये गाना था फिल्म अजूबा से, और इसके जी डायरेक्टर थे शशि कपूर साहब। तो लक्ष्मी जी ने कहा जी शशि जी से, और लक्ष्मी जी ने कहा शशि जी से कि ये जो लड़का है वो अमित जी की बहुत अच्छी आवाज बनाता है। तो शशि जी ने मुझे कहा सुनाइए, तो मैंने वही जो गाना था वो उनको अमित जी की आवाज में सुनाया, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूं मैं कहा मस्जिद वाली गली। तो शशि जी बोले अरे परसों वाला गाना अमित जी से नहीं सुदेश भोसले से करवाएंगे। और मैंने उसी तरह कुछ एक गाना मोहम्मद अजीज साहब के साथ गाया, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना। तो इस तरह मैंने एक दो कुछ डायलॉग बोले, और ये अमित जी को और लक्ष्मी जी को मालूम था कि यार मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया है बिल्कुल अमित जी जी की तरह। फिर उन्होंने ये गाना बनाने की उनको आइडिया आया, तो उन्होंने कहा जी कि सुदेश मैंने कुछ लिखा है कि अरे ओ जुम्मा, वो कैसे बोलेंगे, बोले अरे ओ जुम्मा, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, मेरी जाने मन। तो बोले तो आजा आजा, बस मुझे यही चाहिए। फिर मुझे 2 दिन बाद बुलाया, बोले मैंने अभी कुछ मुखड़ा लिखा है वो कैसे गाएंगे, बोले जुम्मा चुम्मा डी डी, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा डी डी, चुम्मा क्या बात है दे दे चुम्मा। तो ऐसे ऐसे गाना बनता गया बनता गया। फिर अमित जी को सुनाया और बिना रिकॉर्डिंग के डायरेक्ट 1-to-1, तो अमित जी का वेरी गुड, इसके रिकॉर्ड कर लो। और ये गाना अमित जी के सामने 80-90 म्यूजिशियंस के साथ लाइव महबूब स्टूडियोज में रिकॉर्ड जी हुआ। और उस वक्त जब रिकॉर्ड किया तो कुछ पता नहीं था, लेकिन लक्ष्मी जी ने मुझे पहले ही बताया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लक्ष्मीकांत जी, वो कहा था ये गाना जिस जी दिन सुदेश बाहर आएगा ना, देख तू कहां से कहां पहुंच जाएगा। मतलब रिकॉर्डिंग से पहले उनको ये कॉन्फिडेंस था, और जैसे ही रिकॉर्ड जी गाना हुआ उसी वक्त सुपरहिट हुआ। और बस 31 साल हो गए और आज भी लोग, मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ तो यस चुम्मा यस चुम्मा की आवाज आती है। और उसके बाद जी अमित जी बोले, उनके हर शो में मुझे ले जाने लगे, उनके साथ में उनकी आवाज में गाता था इंडिया में, जी अमेरिका में, लंदन दुबई में। और बस अमित जी बोले अब मैं गाऊंगा नहीं इसके बाद। तो ज्यादातर गाने उन्होंने मुझसे गवाए, जबकि वो खुद बहुत ओ इतना अच्छा गाते हैं। तो कुछ गाने जी उनकी वजह जी से मुझे मिले। और आदेश ओ श्रीवास्तव जी ने जितने भी गाने दिए मुझे, जी शावा शावा, सोना सोना, मेरी मखड़ा, सारे सुपरहिट थे गाने। यस और यस हर और हर गाने की रिकॉर्डिंग में अमित जी खुद मौजूद होते थे, और वो मुझे बताते कि इस तरह यहाँ पे एक्सप्रेशन दो ऐसे। और मेरी जी मखड़ा के वक्त मुझे याद है कि अमित जी नहीं आए थे, तो जया जी और अभिषेक बच्चन साहब आए थे। और ये गाना होने के बाद उन्होंने मुझे और आदेश को, जो आज हमारे मित्र रहे नहीं आदेश श्रीवास्तव, मुझे और जी आदेश जी को दोनों को 100-100 रुपए एक गिफ्ट दिया था, एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, और बोला था कि ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा गाना बनाया। और अभिषेक ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया था कि दिस इज द बेस्ट सॉन्ग यू हैव संग पापा। तो और ये गाना हिट हुआ। तो आज भी मतलब कहते हैं ना कि और भी कई यस आवाजें मैं करता हूँ एक्टर्स की, सिंगर्स की, जी लेकिन जी अमित जी की आवाज के गाने की फरमाइश बहुत ज्यादा आती है। जी जी बिल्कुल सही कहा है सर। और मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं है कि आपकी वॉइस है, जो अमित जी के फैन है उनको ये भी मालूम नहीं है कि आपकी वॉइस है। तो सर मखना मखना एक बार प्लीज सुना दीजिए। मेरे मखणा मेरी सोनी ए, चन बलिए सोनी, तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी ए, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे, अर मेरी मखणा मेरी सोनी ए, चन बलिए दिनता 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 यो। Awesome. ऋषिकेश करण जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Yes, ऋषिकेश करण जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हैं। अरे थैंक यू सो मच वाह क्या बात सर है, जी। अर्पिता थैंक यू। ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी है, पंडित अमित भारती हाँ जी जी, पंकज भूषण प्रियम जी लिखते अच्छा हैं आपकी अर्पिता जी आवाज का नमस्ते। फैन अच्छा हूँ जी।
पंकज भूषण जी, नमस्कार, थैंक यू। जी आर्यन शर्मा किशोरदा लिखते हैं सर, किशोरदा के जाने किशोरदा के के जाने के बाद इंडस्ट्री पर क्या असर हुआ, क्या असर हुआ हमसे आप ज्यादा अच्छा जानते हैं। हर गाने में हमें किशोरदा रफी साहब की कमी महसूस होती है, एटलीस्ट मुझे तो होती है, और मुझे लगता है बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों दुनिया भर के लोगों को, उनके फैंस को उनकी कमी जरूर महसूस होती होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ किशोरदा को कि किशोरदा वी मिस यू, किशोरदा लौट आइए, बस आपको ही आना पड़ेगा आपकी जगह भरने के लिए। जी 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 बिल्कुल सही कहा है सर। और सर आपने अशोक कुमार जी की आप में मिमिक्री भी करते हो, और संजीव कुमार अनिल कपूर जी के लिए भी आपने गाया है सर। संजीव कुमार जी के गुजर जाने के बाद मैंने 5 फिल्में उनके उनकी आवाज में डबिंग की है, लव एंड गॉड, कत्ल, ऊंच नीच बीस, प्रोफेसर की पड़ोसन, जी और यस तेजाब पड़ोस में अनिल कपूर की डबिंग भी मैंने की है, तो उनकी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है, तो ऐसे बीच बीच में कारनामे करते रहते हैं। और वाओ एक बात सर बता दूं कि जो जो किशोरदा के फैंस हैं उनको बता दूं कि मैं अब रेडियो से भी जुड़ा हूँ, आरजे बन गया हूँ, यस यस तो 91.9 रेडियो नशा पर मैं किशोरदा के फैंस के लिए किशोरदा के गाने प्रेजेंट करता हूँ, और उस शो का नाम है क्रेजी फॉर किशोर विद सुदेश भोसले। तो उसमें मैं अलग अलग एक्टर्स की आवाजों में किशोरदा से बात भी करता हूँ, फिर उनके गाने पेश करता हूँ। ओ वाह सर लाऊं कर लो तो आप जाए ब्रज मोहन शर्मा लिखते हैं, सुदेश जी गा सकूं कोई नगमा, साज कहां से लाऊं, कर कहां से सकूं आपकी लाऊं। तारीफ, वाह वाह, अल्फाज कहां से लाऊं, अरे क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू आर यू आर अ ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी। पर्सनैलिटी ऑफ, थैंक यू थैंक। मैं आपके लिए गाना गाऊंगा, दीवाना जी लेके आया है वाह दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। वाह सर थैंक यू थैंक यू। सच में सर हम सभी बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, और मैं जिनके कमेंट नहीं ले पा रही हूँ उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। नहीं, और आज कमेंट हमें कमेंट आप सच ले में सर लीजिए ना, मैं बहुत सबको जी जवाब दे दूंगा। नहीं, कमेंट आप ले यस लीजिए, हम सबको जवाब यस देंगे, सबके लिए। अच्छा, अर्पिता ओ ठक्कर, वाह ये सर तो जी ये एक मुंबई की बहुत विलास रायकर बड़ी गायिका है, और हमारे साथ भी कार्यक्रम वाओ करती है, उनकी फरमाइश है सच मेरे यार है, तो मैं जरूर फरमाइश यार ओ जरूर वाह पूरी करूंगा, क्योंकि आजकल लॉकडाउन जब तक चलेगा तो रूबरू मिलना मुश्किल है। तो एस जी पी बालन बाल सुब्रमण्यम जी का गाया हुआ गीत है सागर फिल्म का, सच जी मेरे यार है हाँ वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, हाँ वही प्यार है यार क्या बात है सर मेरे हो यार मेरे, सुनते थे हम ये जिंदगी गम और खुशी का मेल है हमको, मगर आया नजर ये जिंदगी वो खेल है, कोई सब जीते सब कोई हार दे, अपनी तो क्या हार बात है सर है यार मेरे, ओ यार मेरे, ओ यार मेरे। वाह सर
थैंक यू थैंक यू। सच में सर, आज की डेट की बात करें तो आप जैसे लेजेंड सिंगर, लेजेंडरी सिंगर आई थिंक हमारे इंडिया में तो बहुत ही मुश्किल है। और आप इतनी थैंक यू डाउन थैंक टू यू। अर्थ हो, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी सर की बात करूं तो बहुत ही डाउन टू अर्थ हो सर आप, और थैंक हमें भी आपसे सीखना चाहिए। मैं चाहूंगी जो भी हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं वो सर को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये इतने डाउन टू अर्थ है। और सर सच में आपने इतने हमें गोल्डन सॉन्ग दिए हैं, चाहे हम बात करें किंग अंकल में भी आपने बहुत अच्छे सॉन्ग गाए हैं, और बहुत सारी जी इतनी जी मूवीज के नेम ले पाना बहुत मुश्किल है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जी कांटे, मेजर साहब, जी 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 आंखें, जी बागवान। मैं जी इसी बहाने मैं आपके आज के श्रोताओं को वो गाने सुनाना चाहूंगा, दो दो एक एक लाइन, जो जी उनको जी पता है लेकिन उनको नहीं पता कि मैंने गाया। और उससे पहले मैं जी एक जी नाम देख प्लीज रहा हूँ, विलास रायकर जी। ये मेरे बहुत जी सीनियर हैं और मेलोडी मेकर जिसमें मैं ज्वाइन हुआ था, मेलोडी जी मेकर्स में 82 में, ये मेरे बहुत मतलब ये मेरे बड़े भैया हैं और बहुत ही दिग्गज बेस गिटारिस्ट हैं ये, पूना से। तो ओ विलास वाह रायकर जी को मेरा नमस्कार। हाँ जी, अच्छा, जी जीवन के दिन छोटे से ही गाऊंगा गाऊंगा, लेकिन मैं आपका, अच्छा ठीक है, ये जीवन के जी दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की शाबाश। हमें के बता, सोचे जो हम मत वाले। थैंक यू थैंक यू। तो ये गाना किंग अंकल का शाबाश है सर। आपने जिक्र किया, फैनी जी ने मुझे बुलाया, मैं चला आया, जब वो शर्मा के हंसी तो नशा छाया। फैनी ने मुझे बुलाया, मैं चला आया, जब वो शर्मा के हंसी तो नशा छाया। एक फरमाइश है ब्रजमोहन जी की, फिर एक बार, एक दूसरे से करते वाह हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। सर, अरीज अली खान कह रहे हैं कि राजकुमार जी की आवाज सुनाई। मैंने कल रात को ही फिल्म पाकीज़ा देखी, उसमें से एक बड़ा प्यारा एक डायलॉग सुनाता हूं। जी इत्तेफाकन आपके कंपार्टमेंट में चढ़ गया, माफ कीजिएगा, आपके पांव देखे हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। हाँ सर, सच सच नमन सर। अच्छा, एक गाना और, ओ लाल जी दुपट्टे वाली तेरा नाम यस तो बता, अरे काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, अरे नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो वाह wow. बता। होए 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 होए। तो ये भी मेरा गाया हुआ गाना है। क्या बख्शी बात है पिंटो सर। जी, थैंक यू आई लव यू टू। बख्शी जी ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे एक बहुत अच्छे बंगाल के बहुत बड़े प्रमोटर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत प्यार है हम दोनों में। वाह wow. और एक और कुछ गाने ना आपने सुने हैं जो जी मैंने गाए हैं, इमली का बूटा यस बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। जी एक गाना मैंने नाना पाटेकर और राजकुमार जी के लिए गाया था, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। तो ऐसी कई मस्तियां वाह की हैं सर, हमने। तो जी, अभी वाह जी आपके दर्शकों के बहुत सारी फरमाइशें पूरी की है मैंने। थैंक जी थैंक यू सो मच सर। सर जो आज की यू। हम बात करें तो आज का माहौल ऐसा था, अभी जैसे कि आपको भी पता होगा कि आज हमने बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी को खोया है सिद्धार्थ शुक्ला जी, तो आपने सच जी में सारे गम को भुला दिया सर। थैंक यू सो मच जी जी सर। मैंने भी ये पढ़ा सुबह कि बहुत छोटी उम्र थी, सिर्फ 40 साल की उम्र थी और उनको मैसिव हार्ट अटैक जी आया। तो जी मैं कुछ हमारे जो
नए कलाकार हैं उनसे ये भी कहूंगा कि आप जरा पेशेंस रखिए, बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस ना हो, और अगर आपको सक्सेस नहीं मिले तो उससे डूब नहीं जाना, उसे कहते ना अपना दिल जो है बिठा के नहीं रखना, भगवान को याद करना, अपने माता पिता को याद करना, मेडिटेशन करना, तो ये जो चीजें हैं ना डिप्रेशन और वो नेगेटिविटी वो आपसे दूर भाग जाएगी। और फेलियर से ना डरें, आप मेहनत करते रहिए, ऊपर वाला आपको देख रहा है। जी जी राइट, बिल्कुल सही कहा है। और हमारे साथ अवीश शर्मा जुड़े हैं जो कि आपके बहुत बड़े फैन है, छोटा सा बच्चा है 10 इयर्स का, और जी बाल्मुखी रामायण लिखी है 10 इयर्स की एज में, और एमपी न्यूज का सबसे छोटा एंकर है जी। थैंक यू सो मच अवी शर्मा जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। और मेरी भगवान ऑलरेडी सर ने सुना दिया है, आपके लिए और फिर फरमाइश आई है, भगवान मेरे भगवान सुना दीजिए। मैं मुझे पूरा लेकिन फिर मैं एक दो ही भगवान मेरे भगवान यही है कि अभी सारे शब्द याद नहीं आ रहे कि ये जो संकट है उसको दूर करो भगवान, और हम मेरे और मेरी ऑडियंस को मिला दो भगवान मेरे भगवान। तो मुझे लगता है ये सत्यम जी की फैन है, और ये सत्यम जी जो है वो अनूप जलोटा जी के शिष्य हैं, तो उन्होंने गाया, जब उन्होंने ये गाना गाया तो मुझे लगा अनूप जी गाए भगवान मेरे भगवान, तो बहुत प्यारा गाया, अनूप जी ने भी इसने साथ में गाया। और सच में सर, सरस्वती माँ ने निवास किया है आपकी कंठ में सर। थैंक यू। और जितने भी सॉन्ग्स है आपने कभी खुशी कभी गम, बागमा जैसी हिट मूवी में गाया है सर, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, आई थिंक जो लोगों को भी पता नहीं है। और अवी शर्मा लिखते हैं एनी किशोर दास सॉन्ग सर। अच्छा, मैं अभी जो माहौल है ना उसमें से थोड़ा सा एक मोटिवेशनल सॉन्ग है। थैंक यू। थैंक यू, वर्ड भी बहुत कम है सर आपके लिए, स्पीचलेस सर। सच में हमें बहुत ही आज आपसे सीखने को मिल रहा है सर, और सच में किशोर दा की बात करें तो उन्होंने गोल्डन सॉन्ग दिए हैं, और किशोर दा के साथ आपका नेम भी लिया जाता है सर, क्योंकि आपने इतने सारे शोज किए हैं, आई थिंक मंथ में आप 27 शोज करते थे, मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था। कभी कभी 30-35 शोज भी किया करते थे हम लोग, दिन में 2 शो 3 शो 4 शो भी, 31st नाइट को तो 5 शो करते थे हम लोग न्यू ईयर के दिन जी। और वो एक जाना चाहूंगी उस टाइम गोल्डन जी गोल्डन पीरियड था ऑर्केस्ट्रास के लिए, और गाने भी अच्छे थे 70s 80s में, तो ऑडियंस भी वैसी थी, अच्छे गाने, रोमांटिक सैड सॉन्ग्स, मतलब हर तरह के गाने लोग सुनते थे, उनकी फरमाइश आती, तो और वो अच्छे गाने गाने में भी हमको मजा आता था जी जी। और सर उस टाइम की बात करें तो म्यूजिशियन भी इतने अच्छे होते थे, इतने टैलेंटेड म्यूजिशियन, तो सर किस तरह से मैनेज करते थे आप? अब तो जो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, लेकिन उस टाइम की बात करें तो किस तरह से आप लोग मैनेज करते थे सर, इतने सारे म्यूजिशियन भी होते थे, और मेरा सौभाग्य ये है कि उन म्यूजिशियन से मिलने का मुझे भी मौका मिला है, तो जी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। मैं वही कहता हूँ कि बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने कल्याण जी आनंद जी भाई के साथ काम किया, जहाँ लाइव म्यूजिक होता था, लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी, पंचम दा, राजेश रोशन जी, बप्पी दा, और जितने भी दिग्गज, और हमने वो माहौल देखा है, वो दौर देखा है जब लाइव म्यूजिशियंस और सिंगर साथ में रिकॉर्ड करते थे, और फिर हमने ये दौर भी देखा कि म्यूजिक ट्रैक बनता है, फिर हम लोग एक एक लाइन डब करते हैं, अच्छा फीमेल सिंगर क्या गाने वाली हमको नहीं मालूम, हम सोचते हैं कि ये शायद ऐसा गाएगी और हम ये गाते हैं, तो अभी वो हमने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, लेकिन खुशकिस्मत है कि वो दौर भी देखा है, मतलब रेडियो का भी दौर देखा है हमने, वो काले डायलिंग फोन वाला भी देखा और अब मोबाइल भी देखा, तो उसी तरह ये जो डबिंग वाला अभी जो साइंस में जो तरक्की हुई है वो दौर भी हम देख रहे हैं, तो उसके साथ हम एडजस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमें जो गाने पसंद है, आज के भी सिंगर्स म्यूजिशियंस बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज्यादा
होशियार हैं, लेकिन जिन्हों जो उस माहौल में बड़ा हुआ हो तो उसको तो जैसे वो शायरी 60s 70s 80s के गीत उनकी धुने, लेकिन जब हम नेचुरली जब कोई गाना मुंह से निकलता है तो वो पुराना गाना ही निकलता है। लेकिन उसके साथ में ये कहूँ, ये भी कहूंगा कि हमारे जो नए सिंगर्स हैं अरिजीत हैं, फिर सेकंड जो दौर था किशोरदा रफी साहब लता जी आशा जी के साथ, मुझे उसके बाद मुझे उदित नारायण बेहद पसंद है, मुझे सुखविंदर जी बहुत पसंद है, मुझे ये अभी के दौर में सोनू निगम अरिजीत पसंद है, मुझे जावेद अली साहब बहुत पसंद है, तो मैं उनको भी सुनता हूँ और मैं नए लोगों को भी सुनता हूँ, क्योंकि मेरा खुद मेरा बेटा सिद्धांत वो भी एक सिंगर है कंपोजर है, तो क्योंकि उनकी वजह से हम भी नए गाने सुनते हैं, तो नया और पुराना लेके हम अपना सफर जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। वाओ सर, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। और सर आप कमेंट भी पढ़ सकते हो, आपके जो फैन है एंड सुनील वर्मा जी बहुत जुड़े हैं जी, रामायण में इन्होंने इंद्र का और जटायु का रोल किया था जी। थैंक यू सो मच, बहुत नमस्कार सुनील जी जी। और संजय वसल सर भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि बहुत ही अच्छे गजल सिंगर है, थैंक यू सो मच। ओम प्रकाश यादव जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर हम आपसे सुनना चाहेंगे बागवां, जो कि मूवी बहुत ही हिट हुई है, उसका गाना। बागवां का तो मैंने सुना है मेरी मकड़ा, मैं आपको अब सुनाता हूँ जी कभी खुशी कभी गम का। ओ वाह, और ये बादशाह की देख रहे तुसी, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4 रूप तेरा सोना सोना सोने तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल, हे कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। Everybody शावा शावा आहिया से शावा शावा आहिया से शावा शावा आहिया से शावा शावा ये। वाओ सर, सलूट टू यू सर, सलूट टू यू। सच में जैसा कि अभी प्रिंस जी ने कहा था कि शिमला में वो वेट करेंगे, और सर सच में मैं भी शिमला से हूँ, तो मैं चाहूंगी आप हमारे शिमला भी आए सर, और आपको सुनना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने हमें इतने अच्छे अच्छे गोल्डन सॉन्ग दिए है सर। और ब्रिज मोहन जी ओ लाल दुपट्टे वाली सर ने वैसे तो सुना दिया है ये जी, ये ऑलरेडी सुना चुके हैं सर। जब जैसे ही कोरोना चला जाएगा मैं चला आऊंगा शिमला। ओ वाह सर, और सच में हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा सर। अच्छा ये इनकी फरमाइश अधूरी है तो पूरी कर। अरे देखते ही हमको तो पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तो आंखों पे छा गई, पहली मुलाकात में लड़की नहीं खुलती, हर अजनबी से दिल की ये खिड़की नहीं खुलती, खिड़की नहीं खुलती, ये खुड़की नहीं खुलती, दिल के लिए दिल का कोई प्रोग्राम तो बता, क्या बात ये शाम कैसे गुजारेंगे याद तो बता, अरे नाम तो बता तेरा, नाम तो बता तेरा, नाम तो बता। ओए होए ओए होए वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, अरे काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। वाओ सर, सैल्यूट टू यू सर। और संजय वत्सल सर भी लिखते हैं, ही इज अ मिरेकल, सैल्यूट टू द ग्रेट सिंगर रिस्पेक्टेड सुदेश जी। थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर मैं जानना चाहूंगी, जो आपने ये गोल्डन मोमेंट था आपके लिए, गोल्डन पीरियड था सर, और जो आज की जनरेशन की बात करें सर, काफी चेंजेस आए हैं इंडस्ट्री में, तो सर आप किस तरह से एडजस्ट करते हो उनके साथ, क्योंकि आज के सॉन्ग की बात मैं पर्सनली करूं तो मतलब मुझे आज के सॉन्ग बिल्कुल पसंद नहीं है सर, जो जो मेलोडी पहले होती थी, जो म्यूजिक ओरिजिनल म्यूजिक पहले होता था, आज हम बहुत मिस करते हैं सर, बहुत ज्यादा मिस करते हैं। हाँ,
एक्चुअली अपना देखोगे अगर ना, आपके बचपन से लेकर या मेरे बचपन, मेरी जवानी से लेकर अब तक हर चीज में बदलाव आया है, और बदलाव आना जरूरी है। वो सिर्फ म्यूजिक में और नहीं, फिल्मों में नहीं, आप मतलब हर चीज, खाने पीने में बदलाव आया है, पढ़ाई लिखाई में बदलाव आया है, उसी तरह फिल्मों में बदलाव आया है, पॉलिटिक्स में बदलाव आया है, म्यूजिक में बदलाव आया है। तो बदलाव तो चलता रहेगा, इससे इसमें कोई बहस नहीं है। उसके साथ आप कितना एडजस्ट कर सकते हो, उतनी जल्दी आपको मतलब आप खुश हो जाएंगे। और अगर आप ये कंपैरिजन करते रहेंगे कि पुराना अच्छा था आज का खराब है, तो इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। और ये बहस बहुत लंबा डिबेट चलेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ यंग जनरेशन को हम लोगों को बहुत एनकरेज करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनका उनको सपोर्ट करना चाहिए। जितना हम उनको एनकरेज करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनको उनका क्या कहते हैं ना, मॉरल जो है वो बूस्ट करेंगे, उतना वो अच्छा काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे जो यंग जनरेशन वो टैलेंटेड नहीं है या वो ऐसे हैं वैसे हैं, ये बात गलत है। वो इस जनरेशन में इस वक्त पैदा हुए, तो नेचुरली उनके आसपास जो चीजें चलती उसी का उनके मन पे असर होगा और उनसे वही बात बनेगी। तो हमने जो देखा हमारे बचपन में जवान में, हम उनको फॉलो करते, तो आज का जनरेशन उन्हीं को फॉलो करेगा। तो हमने उनको बस अच्छा, माता पिता या फैमिली मेंबर्स का ये फर्ज है कि हम उनको सपोर्ट करें, उनको समझें वो क्या चाहते हैं, उनको भी थोड़ा सा, उनकी सोच को भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहिए हम लोगों को। जी जी बिल्कुल सही कहा है सर आपने। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और सर आपने तिरंगा में भी गाया है, तिरंगा की बात करें अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों एंड क्रांतिवीर जैसी हिट मूवी में आपने गाया है। आपकी मूवी की बात करें तो बहुत सारी मूवीज है जो कितनी सारी लिस्ट है, एंड आप कमेंट भी पढ़ सकते हो और कमेंट संजय वत्सल, बदलाव जरूरी है बट हमें खुद को अपग्रेड रखना होता है, एक तरह का चैलेंज है, बहुत जी, अच्छा जी, 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 कर रहे हैं यंगस्टर बस भी। मैंने जो कहा यही संजय जी कह रहे हैं, बस हमें हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उन पे भरोसा करना चाहिए, उनको पूरा सपोर्ट देना चाहिए। मेंटल सपोर्ट आज की तारीख में बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल सही कहा है सर। और ओम अब प्रकाश तुम्हारे यादव हवाले वतन, हवाले वतन साथी, तुम्हारे हवाले हमें ये रफी साहब वाला जो गाना है ना, उसकी दोलन सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाओ सर क्या बात है सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं गिरीश दादा को भी थैंक यू कहना चाहूंगी। गिरीश दादा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सच में उन्होंने आपसे मिलवाया है और सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, आज उन्होंने मेरा जो ड्रीम है वो फुलफिल किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर आपने हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, आई थिंक आप इन्हें जानते होंगे, ये कंपोजर है। नमस्कार सुरेंद्र जी, नमस्कार जी जी, थैंक यू सो मच सर। और सर आपने करण अर्जुन, इश्क राम लखन जैसी हिट मूवी में भी, मतलब आपके सॉन्ग की बात करें तो आई थिंक बहुत टाइम जो है कि वो बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी में काम किया है सर, और आपने तो एक इतिहास क्रिएट किया है सर, हिस्ट्री क्रिएट की है आपने
जो इतने अच्छे सॉन्ग, जो जी हमेशा जितनी भी आई थिंक जनरेशन आएगी वो आपके सॉन्ग सुनेंगी, क्योंकि आपने थैंक यू इतने थैंक अच्छे यू। अच्छे सॉन्ग दिए हैं जो हमेशा हम भी सुनते हैं सर, और आगे भी सुनेंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी वॉइस, आप जैसी वॉइस आई थिंक अब हमें सुनने को तो नहीं मिलती, लेकिन आज हमें बहुत ही अच्छा लगा है सर, सैल्यूट टू यू। और जो थैंक इंडस्ट्री यू में आना चाहते हैं सर, और मैं सर आपसे जानना चाहूंगी, एक प्लेबैक सिंगर एंड सिंगर में क्या फर्क होता है, क्योंकि आजकल सभी लोग प्लेबैक यूज करते हैं सर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या डिफरेंस है इसमें सिंगर एंड प्लेबैक में। एक पहले तो आपको गाना आना चाहिए सुर में, और उसके लिए जी रियाज गुरु जरूरी है। लेकिन अगर प्लेबैक सिंगर बनना है तो आपको एक अच्छा अंदर से इनबॉर्न टैलेंट होना चाहिए, आपको एक एक्टर भी होना चाहिए, जी आपको आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये जी जितने भी हिट जितने भी दिग्गज हैं वो क्यों क्यों इतने पॉपुलर हैं, क्यों हम इनको इतना पसंद करते हैं, गाना तो उनका अच्छा है ही, लेकिन उनके अंदर जो जी वो जान डालते, जो सोल होता है, जो एक्सप्रेशंस होती है, जो फीलिंग्स होती है, और वो जब गाते तो लगता है कि वो हीरो या वो हीरोइन गा रही है। ये जो क्वालिटी है वो लता जी, आशा जी, रफी साहब, मुकेश जी, मन्ना दा, हेमंत दा, किशोर जी दा को हमसे अलग करती है। तो एक सिंगर और प्लेबैक सिंगर में, प्लेबैक सिंगर को सिंगर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा एक्टर होना जरूरी है। यस यस राइट सर, बिल्कुल सही कहा है। और संजय सर लिखते हैं, रेड सुदेश जी का इस शो में आना आपके शो की आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल अरे सही वाह, कहा है थैंक सर, यू थैंक यू क्योंकि थैंक सच में सर आज हमें गोल्डन वॉइस सुनने को मिली है सर, आप जैसे ग्रेट पर्सनालिटी लेजेंडरी आज हमारे शो में आए हैं, सच में मुझे भी हमेशा याद रहेगा सर, जिन्होंने इतने गोल्डन सॉन्ग, जब हम गोल्डन सॉन्ग की बात करें तो आपका नेम भी आता है। और सच में आज आरडीडी शो के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है आज का, कि मुझे भी जब भी मैं याद करूंगी आरडीडी शो को तो आपका नेम भी आएगा सर, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो थैंक यू सकती है मेरे लिए। थैंक यू थैंक थैंक यू यू सो थैंक मच यू सर, एंड सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू थैंक यू। और सभी एंड जी मैं आपको भी, आपके इस चैनल को, और आपका ऑलरेडी आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका जो नाम है, आपका ये शो और भी ज्यादा से ज्यादा हिट हो, पॉपुलर हो, लाखों करोड़ों सुनने वाले देखने वाले आपके शो से जुड़े। और आपके श्रोता अगर चाहें तो मैं दोबारा आके आप लोगों से बात करूंगा, यस यस मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू जी सो मच। जी जी सर, हम स्पेशल एपिसोड में सर आपको बुलाएंगे। और सर थैंक सच यू में आज बहुत ही अच्छा लगा सर, और कोविड के बारे में आपका क्या कहना है सर, कोविड आर्टिस्ट पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है सभी पे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट जी पड़ा है आर्टिस्ट, तो आपका क्या कहना है जी सर। जी मैंने ये देखा कि 2 साल से हम सभी घर पे बैठे हैं, तो और हम कोशिश ये करते हैं कि जी हमारे जो हम लोगों ने, हम आपस में ही, हमारे जो स्टेज के म्यूजिशियंस हैं, दत्ता पायल जी जी नमस्कार, दत्ता पायल जी बंगाल की एक बहुत अच्छी बड़ी सिंगर है, मेरे साथ भी प्रोग्राम्स किए हैं बहुत, उन्होंने बहुत ही अच्छी जी गायिका है। मैं वो आर्टिस्ट के बारे में कह रहा था कि हम आपस में ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और वो उन म्यूजिशियंस की बहुत ही हालत खराब है जो सिर्फ स्टेज शोज करते हैं, जो टीवी पर नहीं जी बजाते, जो रिकॉर्डिंग्स में नहीं बजाते, और वो कला वो लोग जो हमारा हमारे जो लोडर्स हैं, जो साउंड का सामान, स्पीकर्स वगैरह उठाते हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है। और जो थिएटर के जी ऑडिटोरियम्स के बुकिंग क्लर्क्स हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है। तो जी उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से फंड से इकट्ठा करके हम आपस में मदद कर रहे हैं। हम सरकार से भी विनती है कि हम म्यूजिशियंस जो स्टेज पे लाइव शोज करते हैं, उनकी तरफ भी मेरे सभी इंडिया के सभी म्यूजिशियंस और स्टेज के सभी गायक गायिकाओं और बैक स्टेज के कलाकारों की तरफ से मैं सरकार से विनती करूंगा कि प्लीज हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
यस, बिल्कुल सही कहा है सर आपने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सच में थैंक यू वर्ड भी आपके लिए बहुत छोटा है सर, लेकिन फिर भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। आपने अपना कीमती टाइम दिया सर हमें, और बिल्कुल हमें बहुत ही अच्छा लगा सर, और सच में हम धन्य हो गए सर आपको सुन के, थैंक आपकी यू गोल्डन वॉइस को सुन के। थैंक यू सो मच। और सर सच में आपने हमें आज अमृत दिया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर थैंक वैल्यूएबल यू, टाइम। गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद, जय हिंद बाय सर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बाय। सो मच सर, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवार कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश